नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है, अचानक से गिर जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसी इमरजेंसी स्थिति में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो होता है 120/80, यानी कि सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो होता है 120 और डायस्टोलिक होता है वो होता है 180। अब अगर इससे कम किसी व्यक्ति का बीपी हो जाता है तो वो माना जाएगा कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अब हम कैसे पता करें कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है या ज़्यादा हो गया है? तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ सिम्टम आपको दिखाई देंगे जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उनके कुछ लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। सबसे पहली चीज़, उस व्यक्ति के आँख के सामने ब्लरनेस हो जाएगी, वो व्यक्ति का कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, चलने का मन नहीं करेगा। क्योंकि उसमें होता क्या है दोस्तों कि जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में ऑर्गन्स को प्रॉपर मात्रा में खून मिल नहीं पाता, जिससे कि ऑर्गन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो हम हमेशा कन्फ्यूजन वाले स्थिति में रहेंगे, हमेशा लो फील करेंगे, थकान महसूस करेंगे, हमेशा दबे से रहेंगे, बैठे से रहेंगे, कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, चलने का मन नहीं करेगा। अगर ऐसा लगता है, चक्कर आएगा, अगर ऐसा लगता है तो आप मान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये ब्लड प्रेशर लो होने के एक संकेत होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है इसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर लो होने के कई सारे कारण होते हैं, मैं आपको कुछ प्रमुख कारण बताने वाला हूँ वीडियो में। सबसे पहला कारण होता है ब्लड प्रेशर लो होने का, वो होता है कि हो सकता है कि आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में खून ही ना हो। जब आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में खून ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड प्रेशर ऐसे ही लो हो जाएगा। दूसरी चीज़, हो सकता है कि आप ज़रूरत से कम मात्रा में पानी पीते हों, आपको डिहाइड्रेशन हो गया हो, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर अपने आप लो हो जाएगा। अगर आप पानी कम पियेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो भी आपका बीपी अपने आप लो हो जाएगा, बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आपका थायराइड की समस्या है, अगर आपका थायराइड कम है, आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, तो भी वो ट्रिगर करता है लो ब्लड प्रेशर को। आप जो खाने खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में अगर सॉल्ट नहीं है तो भी, सोडियम नहीं है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन चल रहा है तो भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो ये तो थे कुछ कारण जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है अचानक से, तो इस इमरजेंसी स्थिति में आपको आनन फानन क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है। दोस्तों, किसी का अगर बीपी लो है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसको जल्दी से जल्दी सोडियम प्रोवाइड कराएं या फिर नमक प्रोवाइड कराएं। आपको करना क्या है, आपको आसान तरीके से गिलास में पानी लें, पानी में नमक और चीनी डालकर घोल करके व्यक्ति को दे दें। इससे क्या होगा, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। अगर उसको चक्कर आ रहा है, वीकनेस है, तो उसमें उसको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, ये कुछ जो है तरीके थे। फिर अगर आप कैपेबल हैं तो आप मार्केट में जाकर इलेक्ट्रॉल ले आएँ, इनर्जाल ले आएँ, इससे भी उसका जो है ब्लड प्रेशर लेवल धीरे थोड़ा थोड़ा करके राइज हो जाएगा। अगर आदमी स्थिर अवस्था में पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, उसको सीधे लेकर जाएं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब उसका बीपी चेक करेंगे, जो दवा देनी होगी उस हिसाब से डॉक्टर साहब उसको दवा देंगे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर फ्लूरोकार्टिसोन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ये एक लो ब्लड प्रेशर की दवा होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, उन्हें अपने जीवन शैली में कौन कौन सी चीज़ें मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़, तो आप जो भी भोजन करते हैं उसमें हल्का फुल्का नमक की मात्रा बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का नमक की मात्रा बढ़ा दें, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर लो रहता है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इससे क्या होगा कि अगर आपको हाइपर टेंशन की समस्या है तो वो सॉल्व हो जाएगी, साथ साथ आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। अगली चीज़, अगर आपको आपका हीमोग्लोबिन कम है, उसकी वजह से आपको उसकी शिकायत है लो बीपी की, तो भी आप कोई भी आयरन सप्लीमेंट अपनी डाइट में जरूर यूज़ कर लें, जिससे कि आपके शरीर में खून बढ़ेगा और आपका बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगली चीज़, जब आप खाना खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे खाना खा लेंगे तो होगा क्या कि पहले ही आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, खून की कमी है, बीपी आपका लो रहता है। अगर आप ज़्यादा खाना एक बार खा लें तो उसको पचाने के लिए हमारा जो खून है वो अपना एफर्ट लगाना शुरू कर देगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिससे कि आपको जो आपके ब्रेन में, आपके अन्य अंगों में खून पर्याप्त मात्रा में पहुंचने पाएगा और आपको सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खाना थोड़ा थोड़ा करके खाएं, जिससे कि आपको समस्या ना हो। ये कुछ तरीके थे जो कि आपको एक लो बीपी के पेशेंट में
करने चाहिए। और डॉक्टर साहब जो दवा लिखें उसको रेगुलर इस्तेमाल करें, ये कुछ तरीके हैं जो कि एक लो ब्लड प्रेशर को हमेशा करते रहें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, अगर आपका थायराइड कम रहता है, तो इसकी प्रॉपर दवाइयाँ खाएँ, दवाइयाँ करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल ना बढ़ने पाए, थायराइड ना कम होने पाए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और थायराइड कम हो जाएगा तो भी आपको लो बीपी की शिकायत होनी ही होनी है। तो देखो सिम्टम और कुछ कारण जो कि एक लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, चीज़ें क्लियर रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।